हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, स्तुति हो। और एक बार प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हम सबों को सहायता किया है, और इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जब जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है कि हर बार जब हम प्रभु के पास आते हैं, वैसे ही हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी प्रभु की उपस्थिति में होना बहुत क्या है, जरूरी है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम पूरी रीति से प्रभु के लिए अपने आप को तैयार रखें और परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज के भाग के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसका एक अध्याय और उसका 26 से लेके उसका 28 वचन हम निकाल के पढ़े। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1:26-28, उत्पत्ति 1:26-28, सुनिए उसमें क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हाँ, अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, हाँ, और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, हाँ, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। हाँ, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 1:26-28 जो हम पढ़े हैं, कई बार ये वचन को हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत बार, मतलब मुझे लगता है कि जितना आपका विश्वास में आपको उम्र हुआ है, साल हुआ है, हर साल कई बार इस वचनों को हम लोग कभी ना कभी, कोई ना कोई प्रचारक कुछ ना कुछ प्रचार में ये वचन क्या होता है, आ ही जाता है और हम लोग पढ़ लेते हैं। और यहाँ जो लिखा हुआ बात है उसको मैं विस्तार से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कई बार हम प्रभु के लोग, परमेश्वर के विश्वासी, जब प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, उनका प्रार्थना ऐसा होता है मानो उनको लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, मेरा प्रार्थना करने का तरीका परमेश्वर को अच्छा लगता है, मेरा शब्द परमेश्वर को भाता है, और इसलिए मेरे प्रार्थना का फलस्वरूप मैं जो मांग रहा हूँ परमेश्वर मेरे जीवन में वो कर देगा। और कई लोग अपने प्रार्थना में ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी प्रार्थना में अगर ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को अपने परमेश्वर के सामने नम्र दिखाना हमको अच्छा लगता है, होना भी चाहिए, उसमें गलत नहीं है। लेकिन अगर प्रार्थना के बाद या प्रार्थना के बाहर अगर आप फिर भी ऐसा सोचते हैं तो वहाँ गड़बड़ियाँ आपके जीवन में हो सकती है। मैं बताऊँ क्या बातें। कभी कभी जब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना ऐसा होता है, अगर आप में से किसी का प्रार्थना ऐसे हो तो मैं आपके प्रार्थनाओं को आज से बदलना चाहूँगा। हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, हे मेरे खुदा, मैं कीड़े मकोड़े के समान हूँ, ऐसे हम बोलते हैं कभी कभी प्रार्थना में। हे मेरे प्रभु, मैं कीड़े और मकोड़े के समान हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं तुच्छ हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कुछ भी कर नहीं सकता। और मैं बताऊँ, इस तरह का प्रार्थना कभी आपके मुंह से कुछ शब्द आ गया, गलत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने शब्दों के द्वारा आप अपने आप को नम्र कर रहे हो, आपके अंदर प्रभु के लिए वो भावना है, इसलिए आप कभी कभी ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि हे प्रभु, मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ, किसके सामने, तेरे सामने। तो प्रभु के सामने ये बोलना ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब प्रार्थना के बाहर, जब हम लोगों के साथ हम मिलते हैं, जब लोगों के साथ अपने गवाहियों को बांटते हैं, जब हम किसी के सामने जाते हैं, उनके सामने भी जाकर अगर हम यही शब्द बोले कि मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो कूड़े मकोड़े और एकदम कचड़ों के समान मैं हूँ, तो वो आपके जीवन में गलत हो जाएगा। क्योंकि एक विश्वासी होने के नाते आपको एक बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हु यू आर, आप कौन हैं, आपकी पदवी क्या है, परमेश्वर ने आपको क्या देखने के लिए बनाया,
और आप अपने आप को क्या दिखा रहे हो। समझिएगा मेरे बातों को। परमेश्वर जो आपको बनाया, प्रभु ने जो आपको ठहराया, प्रभु ने जो आपको दिया है, प्रभु ने जो आपको सौंपा है, वो सारे चीजों से आज इंसान बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो गया है, बाहर आ गया है। और जिस कारण से हमारे जीवन में से बहुत सारे समस्याओं को, बहुत सारे चीजों को अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन मेरा ये विश्वास है, ये वचन आज हमारे जीवन में ये बताएगा कि मैं या आप, हम परमेश्वर में कौन है। हालेलुया। मैंने टॉपिक को ऐसा लिखा है, परमेश्वर में अपने अधिकार को जाने। सर मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर में अपने अधिकार को जाने। परमेश्वर ने नहीं, परमेश्वर में अपने अधिकार को जानो। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका अधिकार क्या है, क्यों, किस लिए, किस वजह से परमेश्वर ने आपको, मुझे इस दुनिया में इंसान के रूप में सृजा और रखा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में, और कभी कभी कई लोगों के जीवन में ऐसा हो जाता है कि उनके पास जो औहदा होता है, उनके पास जो पदवी होता है, उस पदवी के अनुसार वो व्यक्ति अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाता है, बल्कि वो अपने पदवी से हटकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जब आप अपने पदवी से हटकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे, तो पदवी के साथ साथ आपके जीवन में रहने वाले वो अधिकार, वो सामर्थ, वो अभिषेक को भी आप क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं आज आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सुनिएगा बड़े ध्यान से। इसलिए मैं चाहूंगा बड़े ध्यान से अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हुए, प्रभु ये वचन आज मुझे सामर्थ्य करने पाए, मेरे विश्वास जिंदगी को और भी और कदम आगे बढ़ाने पाए। शुरुआत में ऐसा लिखा गया है, फिर 26वां वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे क्या करें, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, क्या रखे, अधिकार रखे। ध्यान से सुनेगा, 26वां वचन जो है, 26वां वचन में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपस में क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, आपस में सलाह मशवरा कर रहा है, क्योंकि उसको अभी इंसान बनाना है, उनको मनुष्य बनाना है। तो ये आपस में बातचीत कर रहा है कि अब जब मनुष्य बनाएंगे, वो मनुष्य कैसा होना चाहिए, वो किस रीति का होना चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि परमेश्वर मनुष्य को कैसा बना रहा है। सुनिएगा, अगर परमेश्वर मनुष्य को थोड़ा भी गलत बना दे, तो पूरी की पूरी पीढ़ी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर परमेश्वर मनुष्य के अंदर ऐसे कुछ चीजों को ढाल दे, तो पूरा का पूरा पीढ़ी, पूरा का पूरा दुनिया एक बहुत बड़ा अंधेरे में या बहुत बड़े गलतियों में आ जाएगा। इस दुनिया का सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर और पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा आपस में मिलकर पहले आपस में क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है, कैसे बनाएंगे, क्या होना चाहिए मनुष्य में, कैसा दिखना चाहिए, क्या स्वभाव होना चाहिए। तो आपस में जब लोग बातचीत किए, तो उनके बीच में से एक बात निकला कि हम मनुष्य को बनाएंगे, वो भी कैसे बनाएंगे, अपने स्वरूप में बनाएंगे। सब बोलिए, अपने स्वरूप। फिर बोला कि हम मनुष्य को अपने समानता के अनुसार बनाएंगे। ये दो चीज अपने मन में याद रखिएगा, जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहा था, तो परमेश्वर के मन में भविष्य के लिए कुछ योजनाएं थी। उस योजनाओं को देखते ही उसके तहत परमेश्वर ने इंसानों को क्या किया, बनाया है। ऐसे ही हम आसमान से गिरे और खजूर पर नहीं लटके। कभी कभी हम बोलते हैं, पता नहीं कहां आ गए, क्यों प्रभु मुझे दुनिया में भेजा, नहीं भेजने से अच्छा होता, मुझे अगर प्रभु जन्म में ही, बचपन में ही मार देता तो बहुत अच्छा होता, मैं यहां क्यों आ गया, मैं वहां क्यों नहीं आया। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही कोई व्यक्ति इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली या फिर एक्सीडेंटली नहीं आता, उसके पीछे परमेश्वर का एक योजना होता है। और मैं योजनाओं को बताना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, जब पहला इंसान परमेश्वर बनाने जा रहा था, प्रभु ने कहा वो कैसा होना चाहिए, वो मेरे जैसा होना चाहिए, वो
दिखना कैसे चाहिए? वो मेरे जैसा दिखना चाहिए। वो बातें कैसा करे? वो मेरे जैसा बातें करे। वो सोचेगा कैसा? वो मेरे जैसा सोचना चाहिए। वो चलेगा कैसा? वो मेरे जैसा चलेगा। इसलिए यहां परमेश्वर ने लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। ये पहले परमेश्वर और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपस में मिलके उन लोगों ने डिस्कशन किया। अब जो उन लोगों ने डिस्कशन किया, जो उन लोगों ने सलाह मशवरा किया, अब 27वें वचन में वो करने जा रहा है। अब 27 वचन में क्या लिखा है पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप हाँ के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार हाँ परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। तो हर लड़के ना बोले कि परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए, स्त्रियां नहीं बनाई गई। बाइबल ये बताता है अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। कैसे किया? नर और नारी के उसने मनुष्यों की सृष्टि। इसका मतलब एक लड़का, एक लड़की, एक पुरुष, एक महिला का सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप में हुआ। और परमेश्वर का स्वरूप मतलब परमेश्वर का छाया नहीं है, खुद ब खुद जैसा एग्जैक्टली हमारा परमेश्वर दिखता है वैसा ही मैं और आप क्या करते हैं, दिखते हैं। एक बार यीशु को किसी ने कहा, हे यीशु मुझे पिता को क्या कर दे, दिखाओ। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। और जिन्होंने यीशु को देखा तो यीशु को कैसा देखा? एस लाइक जैसा मैं दिखता हूं, जैसा आप दिखते हैं, दो हाथ दो पांव कान मुंह वाला इंसान, वैसा यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देख लिया। ध्यान से सुनिए, बाइबल में कभी भी परमेश्वर जब अपने लोगों से संबोधित करता है, बातचीत करता है, प्रभु के बात को सुनिएगा और आपको उस शब्दों से समझ में आएगा कि आपका परमेश्वर का आकार क्या है, आपका परमेश्वर दिखता कैसे है। हाँ लिखा तो है बाइबल में परमेश्वर आत्मा है, लेकिन जब भी परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत किया, ऐसा बातचीत किया कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की, तो जैसा प्रभु बोलता स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी मेरे पांव की चौकी, हमको एक इंसान का इमेज नजर आता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझको अपने दाहिने हाथ से पकड़कर रखूंगा। जब ये शब्द सुनते हैं कि परमेश्वर हमको दाहिने हाथ से पकड़ के रखेगा तो हमको समझ में आता है परमेश्वर के पास भी क्या है, हाथ है। परमेश्वर कहता है ना तो इज़राइल का परमेश्वर उगता है ना तो इज़राइल का परमेश्वर सोता है। जब ये सब परमेश्वर बोलता है तो प्रभु बताना चाहता है तेरे जैसा, अगर कोई सोने वाला है, प्रभु समझाना चाह रहा है कि इज़राइल का परमेश्वर ना तो सोता है ना तो उगता है। कुछ जगह में परमेश्वर ने ऐसे कहा जो मेरे बच्चों को छूता है वो मेरे आंख की पुतली को, दैट मींस परमेश्वर के पास आंख है। कुछ जगह में परमेश्वर ने कहा ऐसा मत समझो कि यहोवा का हाथ क्या हो गया है, छोटा हो गया है, और यहोवा का कान बहरा हो गया कि तुम लोगों को सुन ना सके। इसका मतलब परमेश्वर बताना चाह रहा है बारंबार कि मेरा और तेरा रूप जो है किसके समान है, एक जैसा है। तेरे पास कान है जो तू सुनता है, मेरे पास भी कान है और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। तेरे पास हाथ है तू काम और क्रियाओं को करता है, मेरे पास भी हाथ है और मैं भी मेरे क्रियाओं को करता हूं। बाइबल में बहुत सारे जगह में लिखा गया है प्रभु इन सारे चिन्ह और शब्दों के द्वारा कि मेरा दाएं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा और तेरे साथ में खड़ा रहूंगा, तेरे साथ में भोजन करूंगा। ऐसे बहुत सारे जगहों से हमें एक चीज पता चलता है परमेश्वर किसके समान है। हम परमेश्वर के समान है। हम किसके समान है, मतलब परमेश्वर ने हमें और आपको किसके समान बनाया, उसके समान। और हम इस दुनिया में क्या सोचते हैं अपने बारे में, हम सोचते हैं हम तो मैट्रिक फेल है, हमको आ ई नहीं आता, हमको सही से इंग्लिश बोलना नहीं आता, हमको सही से बातें करना नहीं आता, हमको सही से लोगों के सामने कैसा बातचीत करना है नहीं आता, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो पैसे वाले वो हमसे बहुत अच्छे हैं। मेरा प्रभु कहता है सुन पैसे वाले या तो सुन अमीर वाले, तुम सब के सब मेरे जैसा बनाए गए हो। मैं और आप परमेश्वर के जैसा बनाए गए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ क्यों दुनिया के शुरुआत से जो शैतान ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया, जो हमसे पहले इस पृथ्वी में था
और वो शैतान क्यों हम जैसे व्यक्तियों से वो डरता है, हम जैसे व्यक्तियों के प्रार्थना के बदौलत निकल जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से निकल जा तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। कभी आपने सोचा है, हर समय आप ये बोलते होंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। जी हाँ, अभिषेक है, जी हाँ, सामर्थ है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आज खुलासा करना चाहूंगा आपके बीच में। मैं और आप किसके समान है? अपने परमेश्वर के समान। आपको एक बात मैं बता दूं, इस दुनिया में परमेश्वर कभी भी खुद उतर के काम नहीं किया। पूरे बाइबल में आप देख लो, अगर कहीं दिख गया, मिल गया, मुझे वो आयत दिखा दो, वो भाग दिखा दो, ये पास्टर जी आप गलत बोल रहे हैं, देखिए परमेश्वर खुद उतर के काम किया। हर वक्त परमेश्वर को इस दुनिया में काम करने के लिए एक शरीरधारी व्यक्ति का आवश्यकता पड़ा। कभी भी परमेश्वर खुद उतर के काम नहीं किया। प्रभु ने नूह को बोला, बेटा नूह, इस दुनिया को मैं अंत कर दूंगा, इसलिए काम कर। मैं सबको मारना चाहता हूं लेकिन तुझे बचाना चाहता हूं, इसलिए काम कर। तू क्या कर? जहाज बना। मैं बोलूंगा, परमेश्वर आप तो बहुत महान हो, बहुत विशाल हो, बहुत विराट हो, आपके बड़े हाथ में नूह के पूरे 8 लोगों को उठाना, आज दुनिया के 2-2 जानवरों को अपने हाथ में उठाकर कुछ दिन संभाले रखना कौन सी बड़ी बात है। देखिए प्रभु कहता है, इस दुनिया में अगर कोई बचना चाहता है, मैं केवल बोलूंगा और वो अपने आप को क्या करे, बचाए। ध्यान सुनेगा, नूह को परमेश्वर ने बोला और नूह ने अपने आप में वैसा किया। बाइबल में लिखा गया है, जब परमेश्वर के पास जब इसराइलियों का प्रार्थना पहुंचा, तब परमेश्वर नूह से बोला, परमेश्वर मूसा से बोला, हे मूसा, इसराइलियों का प्रार्थना मेरे कान में आ पहुंचा है, इसलिए मैं उतर आया हूं, उन लोगों को मिस्र से क्या कर दूंगा, छुड़ाऊंगा। तो मूसा सोचा, परमेश्वर उतर आया है, परमेश्वर काम करेगा, ऐसे लिखा है वहां पे, परमेश्वर उतर आया, परमेश्वर काम करेगा। लेकिन परमेश्वर मूसा से कहता है, काम कर, तू जा और मेरे लोगों को क्या कर, छुड़ाओ। क्योंकि परमेश्वर को इस दुनिया में एक एलिया जैसा शरीर चाहिए, एक मूसा जैसा शरीर चाहिए, है ना, परमेश्वर की इस दुनिया में चलने के लिए, या परमेश्वर की इस दुनिया में हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने के लिए एक शरीरधारी इंसान का होना परमेश्वर को बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर कौन है, बोली आत्मा है। आपको पता है, एक बात बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कहां तक आप एक्साइटेड होंगे, इस दुनिया में एक ही ऐसा प्राणी है जो स्वर्ग लोग और पृथ्वी लोग का अधिकार या वह आना जाना करने का सामर्थ्य रखता है, और वो केवल कौन है पता है, बोले हम हैं। परमेश्वर आत्मा है, वो शरीर नहीं है। हम कौन है? हम शरीर भी है, एस वेल एस हम शरीर के साथ साथ हम आत्मा में भी है। जब हम दुआ करते हैं, हम स्वर्ग को भी छू के आते हैं और हम दुआ धरती में करते हैं। मतलब एक इंसान एक ही समय में इस पृथ्वी लोग के ऊपर और एक ही समय में उस स्वर्ग में वास करने वाला परमेश्वर के साथ भी रहता है। ये खूबियां है परमेश्वर ने हमें बनाया। क्यों? हमको जब परमेश्वर बना रहा था, कहां से बनाया? स्वर्ग की मिट्टी से नहीं बनाया। कहां से बनाया? इस पृथ्वी, इस धरती के मिट्टी से प्रभु ने बनाया, तो हम धरती के हैं। दूसरा, परमेश्वर जब हमको जीवित करने के लिए हमारे अंदर जब प्राण फूका, आत्मा फूका, तो वो आत्मा धरती से नहीं आया था, वो कहां से आया था? आसमान से। दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर सृष्टि प्रभु ने किया है, वो इंसानों का किया है। इस पृथ्वी और स्वर्ग को मिलाकर परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया, ताकि क्यों पता है, कि मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे कलीसिया के लोग मेरे सामर्थ को स्वर्ग से ले और अपने शरीर के द्वारा पृथ्वी पर प्रकट करें। इसलिए प्रभु ने बनाया हम मनुष्य को। लेकिन मनुष्य अपने आप को क्या सोचता है, मैं कमजोर हूं, मैं कौन हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं। आपको मैं इसलिए बताया, इस दुनिया में परमेश्वर ने कभी भी जब भी काम करना चाहा, परमेश्वर को क्या चाहिए, बोले एक शरीर चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका शरीर आपके परमेश्वर के लिए है? अगर है तो परमेश्वर आपके शरीर को लेकर क्या करेगा, काम करेगा। ध्यान से सुनिएगा, जिस रीति से परमेश्वर को एक शरीर चाहिए दुनिया में काम करते रहने के लिए, ठीक उसी के जैसा शैतान को भी इस दुनिया में काम करने के लिए क्या चाहिए। That means, हमारा शरीर इतना मूल्यवान है, आपको नहीं पता, इसमें 2 किंगडम या 2 राज हमारे पीछे है। एक तो हमारा परमेश्वर, दूसरा
शैतान। परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, शैतान कहता है मेरे पास आओ। शैतान डायरेक्टली दुनिया में काम नहीं कर सकता और ना ही परमेश्वर डायरेक्टली काम करता है, क्योंकि परमेश्वर और शैतान दोनों कौन सा प्राणी है? आत्मा। और वो आत्मा वाला प्राणी एक शरीरधारी व्यक्तियों को ढूंढता है कि उसके अंदर घुस के इस दुनिया में अपना राजत्व को आगे बढ़ाए। इसलिए परमेश्वर भी हमें ढूंढ रहा है और शैतान भी। जो अपने आप को जिसको देगा वैसा आगे बढ़ेगा। हालेलुया। अगर आप शैतान को अपने आप को दोगे फिर शैतान के लिए आप बहुत आगे बढ़ के काम करोगे, अगर आप परमेश्वर को अपने आप को दोगे तो आप परमेश्वर के लिए बहुत आगे बढ़कर काम करोगे। याद रखिए हम एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पीछे स्वर्ग लगा हुआ है, जिसके पीछे नरक भी लगा हुआ है। आप मामूली और आप हल्का व्यक्ति नहीं है। हम कभी कभी बोलते हैं ना, अब तो 80 साल का हो गया हूँ, अब मेरे जीवन से क्या होगा। मेरा परमेश्वर आसमान में बोलता का बेटा तुझे नहीं पता तू कितना मूल्यवान है। अगर तू नरक में देखेगा कि तेरे शरीर को पाने के लिए नरक कैसा कर रहा है, अगर तू स्वर्ग में देखेगा कि तेरे शरीर को पाने के लिए स्वर्ग कैसा कर रहा है, तो शायद मुझे लगता है हम लोगों का विश्वास जिंदगी बदल जाएगा। सुनिएगा, बाइबल कहता है जब इस दुनिया में एक पापी मन फिराता है, आपके घर वाले मटन चिकन खाए या ना खाए, आपके घर वाले कूदे या ना कूदे, बाइबल कहता है आपके लिए पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। दैट मींस आप कितने वैल्यूएबल है, आप कितने मूल्यवान है। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु आपसे कहना चाहता बेटा तू इसलिए मूल्यवान है क्योंकि तू मेरे जैसा बनाया गया। तेरा एटीट्यूड, तेरा स्वभाव, तेरा बोली वचन, तेरा चाल चलन, सब कुछ किसके समान है? मेरे जैसा है। तो मैं आपसे पूछूं और एक बार, आप किसके समान हैं? आप बोलोगे मेरे पापा जैसा। नहीं, हम किसके समान हैं? हम परमेश्वर के जैसा है। ये परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया है? बनाया है। मैं और थोड़ा डीप में जाकर मैं आप लोगों को आज परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूं। फिर से पढ़िए उसका 26वां आयत, क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों। मेरे पीछे आप लोग बोलिए, अपने उंगली में गिनती रखिएगा, बोलिए समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे। तो जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया और परमेश्वर ने इंसानों को बनाने के बाद परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला जहां रहना है जो करना है करना और जब जो 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 चीजों की आवश्यकता है मुझसे मांगना मैं दे दूंगा। परमेश्वर ने ऐसा इंसानों को नहीं बनाया। जिस दिन प्रभु ने आदम हवा को बनाया है उनको बुलाया अपने पास, बुलाकर उसको ऐसा बोला, बाइबल में लिखा नहीं है, मैं इसको अपने हिसाब से बोलना चाहता हूं, गलत इंटरप्रिटेशन मत कीजिएगा, ध्यान सुनिए। परमेश्वर ऐसा बुलाया होगा और आदम और हवा सामने खड़ा होगा और परमेश्वर आदम हवा को बोला होगा, देख आदम, देख हवा, तुम दोनों हमारे जैसा बनाए गए हो, तुम दोनों हमारे जैसा बनाए गए हो, जैसा हम है वैसा ही हम लोगों ने मिलकर तुम दोनों को क्या किया है? बनाया है ताकि तुम फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इसलिए सुनो, जब मैंने तुमको बनाया है तो मैं तुम्हारे ऊपर एक अधिकार देता हूं, तुमको एक सामर्थ देता हूं, तुमको एक पावर देता हूं। तब आदम वहां पूछा होगा, प्रभु कौन सा सामर्थ, कौन सा पावर? तो प्रभु ने बोला, सुनो, इस पृथ्वी में एक तो आकाश लोक है, दूसरा जल लोक है और तीसरा स्थल लोक है। ये तीनों लोक का सामर्थ, इन तीनों लोकों में जो जो वास करता है, चाहे वो आकाश में उड़ने वाला पक्षी, चाहे वो समुद्र में तैरने वाला मछली, चाहे वो रास्तों पर या जंगल पे घूमने वाला जानवर, उन सबों के ऊपर मैं तुमको अधिकारी घोषित करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में जो शब्द आया है, हिंदी का शब्द उतना मजा नहीं आता जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है तुमको मैं अधिकार देता हूं। इंग्लिश में लिखा गया है, वहां ऐसा शब्द आया है कि डोमिनियन, सब बोलिए डोमिनियन। मतलब मालूम है डोमिनियन शब्द का क्या है? ना जब बाइबल का वचन हम समझ जाएंगे ना तो हम बहुत बंधनों से आजाद हो जाएंगे, यही शैतान नहीं चाहता है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम दोनों को बनाने के बाद मैं चाहता हूं अधिकार करो, नहीं राज्य करो। क्या करो? राज्य करो। प्रभु ने ये नहीं बोला अधिकार करो, अधिकार शब्द अलग है और राज्य करो शब्द
अलग है। और जब शब्द आता है ना डोमिनियन, और डोमिनियन शब्द केवल तब आता है जब एक राजा एक राज्य और पाट को क्या करता है, चलाता है। प्रभु ने आदम हवा को बोला, आज के बाद इस धरती पर, इस आकाश में, इस समुद्र में जो भी प्राणी होगा उन सब के ऊपर तू राजा है, उन सब के ऊपर तू राजा है। तब आदम हवा बोला होगा, प्रभु तू राजा है, फिर मैं क्यों राजा है? मेरे बात को समझिएगा। आदम हवा बोला होगा, प्रभु तू राजा है, फिर मैं क्यों राजा हूं? तब परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग का राजा मैं रहूंगा, लेकिन पृथ्वी का राजा तू लोग आगे बढ़ के करना। मालूम है परमेश्वर इस पृथ्वी में काम करने के लिए एक इंसान की आवश्यकता प्रभु को होता है। क्यों? क्योंकि एक समय था जब परमेश्वर ने ये अधिकार इंसानों को दे दिया। पृथ्वी पर परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार लेने के लिए, डोमिनियन होने के लिए, राज करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बनाया है। परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर हम राज करें और स्वर्ग में। सुन के आपको ताज्जुब लग रहा है? परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग में वो राज करे और पृथ्वी में क्यों, हम क्यों राज करें? परमेश्वर आप राज करते हो, फिर आप पृथ्वी पर क्यों आप राज करें? आप क्यों नहीं राज करते हैं? आप कंफ्यूज है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब प्रभु के चेलों ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तभी उसने बोला, तुम इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरी राज्य आवे, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। इसका मतलब पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती है, इसलिए प्रभु ने बोला प्रार्थना करना। क्योंकि जब तुम इंसान लोग मिलकर प्रार्थना करोगे, जैसा स्वर्ग में परमेश्वर जीता है, जैसा स्वर्ग में परमेश्वर चलता है, एक दिन पृथ्वी पर भी चलेगा। किसके द्वारा? मेरे स्वरूप में बनाए गए जब लोग अपने आप को तैयार करेंगे। मालूम है हम परमेश्वर के स्वरूप में है। प्रभु ने कहा पृथ्वी तुम लोग संभालना और मैं किसको संभालूंगा? फिर भी आप में से किसी किसी का डाउट है, मैं क्लियर करूंगा आपके डाउट को। भजन संगीता 115 उसका 16 वचन निकालिए। भजन संगीता 115 उसका 16 माफ कीजिए भजन संगीता 115 उसका 16 वचन आप बड़े ध्यान से सुनिए। जो लोग मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं ये उनके लिए है, पढ़िए। स्वर्ग तो यहोवा का है। क्या लिखा है? स्वर्ग तो यहोवा का है। मेरे पीछे बोलिए, स्वर्ग तो यहोवा का है। यहोवा का है। आगे कुछ आ रहा हमारे लिए, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा परमेश्वर? बोल रहा बेटा स्वर्ग में मैं अधिकार करूंगा, स्वर्ग का सारा स्वर्गदूत मेरे हाथों में, स्वर्ग का सारा मेरे हाथों में, मैं स्वर्ग का राजा हूं और मैं तुम्हें एक अधिकार, तुम्हें एक सामर्थ देता हूं, स्वर्ग मेरा होगा परंतु पृथ्वी तेरा होगा। हम कौन है? आप जो चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, कौन है आप लोग? आप है कौन? क्या आप एक साधारण व्यक्ति है? क्या आप एक नॉर्मल व्यक्ति है? क्या प्रभु ने आपको ऐसे ही ऊपर से फेंक दिया? प्रभु कहता है धरती तेरा है और स्वर्ग मेरा है। वाओ! इसलिए प्रभु के दास लोग जब निकला था अपने घर से, और घर से निकलने के बाद में वो पूरे रास्तों पे चला, जंगलों में चला, और सबको यही बोला कि मेरा आसमान का परमेश्वर ये जमीन को हमारे नाम कर दिया, क्योंकि बाइबल ने कहा स्वर्ग मेरा है और पृथ्वी, यहां प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। तो प्रभु ने हमें और आपको इस दुनिया में क्या करने के लिए बनाया है? अधिकार, डोमिनियन, राज्य करने के लिए बनाया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग प्रभु का है और हमारे लिए प्रभु ने क्या दिया है, और हम इस पृथ्वी में क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु हम कीड़े मकोड़े मच्छर कचड़ा और दरिद्र के समान हैं। लोगों के सामने हम ऐसे दिखाते हैं मानो कि हम कुछ, हमारा कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है बेटा शायद तू अपने आप को नहीं जानता जितना मैं तुझे जानता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपके पीछे स्वर्ग पीछे है आपका, और आपके पीछे नरक भी पीछे आपका पड़ा हुआ। क्यों मालूम है? आप एक ऐसा शरीर हो जिसके द्वारा इस दुनिया में परमेश्वर का हो या शैतान का हो बड़ा भयंकर काम किया जा सकता है। इसलिए प्रभु बोलता है कि मेरे पास आओ, और मुझे और आपको प्रभु ने इस दुनिया में राज करने के लिए क्या किया है, बनाया, क्योंकि हम और परमेश्वर दोनों क्या है, एक समान प्रभु ने हमें बनाया है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, स्वर्गदूत परमेश्वर के
स्वरूप में नहीं बनाया गया, केवल मैं और आप इस दुनिया के हर एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। हालेलुया। जब स्वर्गदूत भी इस पृथ्वी पर आता होगा, कुछ लोगों को देखकर बोलता है, हाय मनुष्य, काश परमेश्वर मुझे परमेश्वर के स्वरूप में बनाता तो मैं हर दिन उसके पांव पर माथा टेक टेक कर उसकी आराधना करता, लेकिन तुम लोगों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, इसके बावजूद तुम परमेश्वर की आराधना नहीं करते। जो आसमान में स्वर्गदूत है ना, उसके बारे बाइबल कहता है उसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नहीं बनाया। प्रभु ने किसको अपने स्वरूप में बनाया? हालेलुया। दूसरा और एक मैं बात बताना चाहूंगा, परमेश्वर हमारा पिता है और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो स्वर्ग हमारा घर है। तो जो स्वर्गदूत परमेश्वर के लिए है, वो स्वर्गदूत हमारे लिए भी है। हालेलुया। हम उस घर के वारिस है, पता है, हम उस घर के हकदार है, वो हमारे पिता का घर है, लेकिन स्वर्गदूत को हमारे पिता ने रखा है वहां पे और हमको उस जगह का अधिकार दिया है। और प्रभु ने कहा स्वर्ग में मैं राज करूंगा और पृथ्वी में तुम राज करना। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, आप पृथ्वी पर राज करते हो क्या? इसलिए मैंने कुछ महीने पहले एक प्रचार किया था, मैं उस प्रचार के साथ जोड़ना चाहूंगा कि जब तू बोलो तो ऐसा बोलो मानो विश्वास का आत्मा तुम्हारे अंदर है, इसलिए विश्वास से बोलो। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम भी परमेश्वर के जैसा बनाए गए हैं, इसका मतलब जब हम भी बोलते हैं हमारे जीवन में वो चीज होता है। क्यों पता है? इसलिए नहीं कि शायद बहुत कुछ सब अच्छा चल रहा है, इसलिए, केवल इसलिए क्योंकि आप उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। अब प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया है, इसलिए जब भी परमेश्वर इस दुनिया में काम करता है उनको एक शरीर चाहिए। इवन इतना तक भी, जब दुनिया के लोगों के पापों से उनको छुटकारा देना था तब परमेश्वर आपस में बात किया होगा, कैसे छुटकारा दे, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। तब वहां पर उन लोगों ने एक प्लान करके बोला, ये कुमारी गर्भवती होगी और उसके द्वारा एक पुत्र जनेगा। शरीर चाहिए परमेश्वर को, विदाउट फ्लश, बिना शरीर अगर यीशु दुनिया में आता लोगों के लिए मरता कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आप थोड़ा सोच के देखो, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर जब लोगों को बचाना चाहा, उस परमेश्वर को भी मुझ जैसा क्या चाहिए? शरीर। तब परमेश्वर ने कहा एक काम करते हैं, एक कुमारी को ढूंढ लेते हैं। अरे कुमारी को ढूंढा और परमेश्वर ने बहुत पहले से भविष्यवाणी करके 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 प्रभु ने बताया, उसके बाद बोला एक कुमारी गर्भवती होगी और देखो वो एक पुत्र जनेगी और वो पुत्र का नाम इमानुएल रखा जाएगा, नया नियम में बोलता है यीशु रखा जाएगा, और वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा। यीशु कौन था? बोलिए शरीरधारी परमेश्वर। क्योंकि यीशु को बहुत लोगों ने छुआ, यीशु को बहुत लोगों ने टच किया, लेकिन परमेश्वर को नहीं टच किया। हाँ, अगर हम पूछेंगे ना परमेश्वर आप खुद उतर के क्यों नहीं काम किए, तो मेरा परमेश्वर बोलेगा बेटा आपके कांधे में हाथ रखकर, क्या तू नहीं समझता जब मैं दुनिया में मनुष्य को बनाया मैंने उस दिन कह दिया था दुनिया तेरा है, पृथ्वी तेरा है। अगर पृथ्वी तेरे अधिकार में है, अगर मैंने पृथ्वी तेरे अधिकार में दिया, तो मुझको भी अगर दुनिया में काम करना है तो मुझे भी शारीरिक रूप में आकर दुनिया में काम करना पड़ेगा। और प्रभु भी शारीरिक रूप में आकर दुनिया में क्या किया? काम किया। किया या नहीं किया? हालेलुया। वो आत्मा में आके काम नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, हम में से कोई भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है जिसके पास स्वर्ग का परमेश्वर का आत्मा है। आप नॉर्मल नहीं है। इसलिए जब भी आपके जीवन में परेशानियां हो, दुआओं से ज्यादा बोले हे परेशानी मैं तुझसे कहता हूं चला जा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग बहुत नॉर्मल समझते हैं अपने आप को। कान दर्द हो, पेट दर्द हो, ये हो, परिवार में समस्या हो, ये हो, सब समय हमें लगता है हम तुच्छ है, हम गिरे हुए हैं, हम कीड़े जैसे हैं, हम मकोड़े जैसा है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये वचन को पढ़ो, अपने अंदर सामर्थ्य ले आओ कि जब मेरा खुदा मुझे बना रहा था उसके जैसा मुझे बनाया, अगर उसके जैसा बनाया है तो उसके जैसा मेरे अंदर माइंड भी है, अगर उसके जैसा मेरे अंदर माइंड है तो मेरा शब्द भी मेरे खुदा जैसा होगा। और ऐसा विश्वास से आप बोलो, परमेश्वर आपके बोलने के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, एक बार पतरस जब जा रहा था रास्तों में, सुनिएगा ध्यान से, जब पतरस जा रहा था तो एक लंगड़े भिखारी को उसने देखा। जब उसने लंगड़े भिखारी को देखा, लंगड़े भिखारी भी पतरस को देख रहा है, पतरस भी उसको देख रहा है, और लंगड़ा भिखारी सोच रहा था कि पतरस के द्वारा मुझे शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे। तब पतरस ने कहा भैया सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे क्या करता हूं? देता हूं।
उसने नहीं बोला हे सामर्थी, हे खुदावन परमेश्वर, हे मेरे यीशु, तू मेरे लिए आया था, मारा गया, गाड़ा गया, मैं तेरे नाम से मैं कहता हूं इसको कि उठ जा, ऐसा नहीं प्रार्थना किया। आप देखिएगा, कोई बड़ा प्रार्थना नहीं किया वहां पे पतरस ने। पतरस ने कहा जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। वाओ, उसके बोलने में सामर्थ था। क्यों मालूम है? वो समझ गया था मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं। जिस दिन आप समझोगे, शायद ये वचन आज भी आपको उतना समझा नहीं पा रहा होगा, शायद ये वचन आज भी आपको उतना नहीं घुस रहा होगा, लेकिन जिस दिन आप दुआ करोगे, आप समझोगे, मेरा ये दावा है, आप अपने रूम से बाहर नहीं आओगे, और आपका एक शब्द, आपका एक प्रार्थना, आपका एक अधिकार शैतान को आपके सामने घुटनों में लाने के लिए मजबूर कर देगा। क्यों मालूम है? आप जान गए कि मैं राजा का बेटा हूं, मैं उस राजकीय घराने में काम करने वाला नौकर नहीं, मैं उस राजकीय घराने का राजकुमार हूं, मेरे पिता के बगल में बैठने का अधिकार मैं रखता हूं। हालेलुया। यीशु ने कभी कहा है कि मैं तुझे नीचे बैठाऊंगा? क्या बोला? तुझे मेरे बगल में बैठाऊंगा। आप बताइए, अगर यीशु राजा है, राजा के बगल में कौन बैठता है? अरे राजा के बगल में राजकुमार ही बैठेगा, राजा के बगल में कभी नौकर नहीं बैठेगा। लेकिन हम जब दुनिया में यहां वहां फिरते हैं ना, कभी कभी हम महसूस करते हैं, कोई कोई विश्वासी तो हर वक्त महसूस करता है कि मैं कौन हूं, मैं नौकर हूं। सुन लो, ऐसा ब्रदर ऐसा सिस्टर से मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग नौकर नहीं हैं, उस खुदा के बेटे और बेटी है। जो सामर्थ मेरे यीशु को था, एग्जैक्टली वही सामर्थ हमारे अंदर है। जो शब्द में, परमेश्वर के शब्द में जो सामर्थ था, एग्जैक्टली वही सामर्थ प्रभु ने हमारे शब्दों में दिया है। परंतु हमको समझना है कि हम परमेश्वर के अनुसार या प्रभु के स्वरूप में प्रभु ने हमें क्या किया है बनाया। एक और वचन बताऊं तो आपको और थोड़ा प्रूफ दे देकर मुझे अच्छा लगेगा। भजन संगीता उसका 8, उसका 4 और 5 पढ़े। भजन संगीता 8, उसका 4 और 5 क्या लिखा है देखिए उसमें। हाँ, भजन संगीता 8 उसका 4 और 5 वचन बड़े ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। तो फिर मनुष्य क्या है? सुनिए, लेखक कह रहा है कि मनुष्य क्या है कि तू उसका शरण रखे, तू उसका स्मरण। सुनिए, मैं चाहता हूं धीरे धीरे पढ़े, क्या लिखा है मालूम है? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका क्या रखे, शरण रखे। मतलब जो लेखक है वो परमेश्वर से बोल रहा है, प्रभु मनुष्य का क्या कीमत है कि तू उसको याद रखता है, तू उसके बारे सोचता है। ये लेखक पहले बोल रहा है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है मालूम है? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है, और आदमी क्या है कि तू उसकी हाँ शुद्धि ले। अब आंसर सुन के आप दंग रह जाओगे। पढ़िए पांचवा वचन। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही किसने उसको परमेश्वर। आप पहले वो बोलता है मनुष्य क्या है जिसकी तू सुधि लेता है, इंसान क्या है जिसका तू ख्याल रखता है, लेकिन दूसरे वचन में बोलता है क्योंकि तूने यहोवा तूने मनुष्य को क्या किया, परमेश्वर से किससे, परमेश्वर से किससे, परमेश्वर से हाँ थोड़ा ही कम बनाया है। माय गॉड, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने से बोली थोड़ा कम बनाया है, थोड़ा कम बनाया। इसका मतलब क्या है? हम और आप परमेश्वर से थोड़ा कम बनाए गए। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया लोअर देन गॉड, या फिर हिब्रू बाइबल में लिखा गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने एलोहिम से थोड़ा कम बनाया है। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, परमेश्वर सामर्थी है, उसके बाद दूसरा सामर्थी कौन है? लेकिन बाइबल कहता है कि स्वर्गदूत वीर है, स्वर्गदूत एक स्वर्गदूत 100,000 कितने को 85,000 लोगों को मार सकता है, तो मनुष्य क्या कर सकता है? बोलिए ना, एक टाइम में एक स्वर्गदूत 185,000 को मार सकता है, आप क्या कर सकते हो? आप उससे भी ज्यादा मार सकते हैं, कैसे मारोगे? हाँ, आप उससे भी ज्यादा कैसे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, ध्यान सुनिए, बाइबल का परमेश्वर कह रहा है एक लेखक, हे मेरे परमेश्वर, तूने मनुष्य को अपने से या खुदा से या परमेश्वर से कितना बनाया है, थोड़ा कम बनाया है। इसका मतलब वी आर सेकेंड टू गॉड। फिर भी क्या बोला सिस्टर उर्वशी मैंने आपको, आप बहुत सोते हैं, बहुत नींद आता है आपको,
प्रार्थना करें, सच बता रहे हैं, प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु प्रचार के वक्त मुझे नींद ना आए, क्योंकि अगर नींद आया ना शैतान सब कुछ ले लेगा आपसे। यही एक प्रचार का सेवा है जो आपको प्रभु में आगे बढ़ाएगा। मैं बता रहा हूँ, प्रचार गया हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए प्रार्थना करें। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत सोते हैं प्रचार के समय, ले प्रभु से दुआ करें, सब कोई मिलकर भी उनके लिए प्रार्थना करें। सुनिए ध्यान से, नींद का आत्मा आपके अंदर से निकलना है, तो दुआ करें। अगर आपको मालूम है कि मैं प्रचार के वक्त मेरा मुझे बहुत नींद आता है, हमको समझना चाहिए कि ये नींद मेरे थकावट की वजह से नहीं है, ये नींद शैतान की ओर से मेरे ऊपर आता है। ध्यान से सुनेगा, मैं जो बता रहा था यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य से थोड़ा क्या किया है, कम बनाया है। दैट मीन्स वी आर सेकेंड टू गॉड। एक्साइटेड हो आप लोग? आप परमेश्वर के बाद हो, आपका पदवी परमेश्वर के बाद है, आपके बाद स्वर्गदूत है, परमेश्वर सामर्थी है। अगर परमेश्वर के बाद कोई सामर्थी है तो वो कौन है? बोलिए मैं हूं। लेकिन गुटखा खाने वाला नहीं, बीड़ी पीने वाला नहीं, गाली गलौज करने वाला नहीं, व्यभिचार में डूबने वाला नहीं, गंदगी में रहने वालों के बारे में नहीं। क्योंकि प्रभु ने एक बात कहा था, परमेश्वर जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तू, जिस दिन आप पवित्र जीवन गुजारोगे, यू आर सेकंड टू गॉड। हालेलुया, जीवन बदल जाएगा। आप कोशिश करके देखिएगा, जिस दिन आपके अंदर पवित्रता आ गया, आप परमेश्वर के बाद वाले स्थान में खड़े रहते हो, और आपसे नीचे स्वर्गदूत और स्वर्गदूत से नीचे दुष्ट आत्मा। इसलिए जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं ना, हे दुष्ट आत्मा निकल जा, तो दुष्ट आत्मा बोलता जाना पड़ेगा, क्योंकि ए परमेश्वर से नीचे है और हम इससे नीचे है। स्वर्गदूत हमसे बड़ा नहीं है, स्वर्गदूत हमसे, हालेलुया। तो प्रभु ने हमको वहां रखा, ध्यान से सुनेगा, और हम अगर वहां है तो प्रभु चाहता है कि हम वहां पे काम करें। आपको मालूम है परमेश्वर के लोग, ध्यान से, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर कहता है मनुष्य के पास बहुत ज्यादा क्या है, सामर्थ है। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं, आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 4 वचन से 7 वचन में आ जाइए। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 4 वचन से लेकर उसका 7 वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया है। 11 उसका 4 से लेकर 7 वचन। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी हाँ आकाश से बातें करे हाँ इस प्रकार से हम अपना नाम करे हाँ ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर हाँ फैलना पड़े हाँ जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। आप ध्यान से सुने, यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनके समान एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का सुने अब जितना हाँ पढ़िए अब जो कुछ वे करने का यत्न हाँ, करेंगे यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। सब बोले हालेलुया हालेलुया। सुने ध्यान से, एक दिन एक जगह पर कई सारे लोग एक जगह आकर रुक गए, इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर बोलने लगा कि हम एक ऐसा गुम्मट बनाएंगे और वो गुम्मट सीधा सीधी आसमान से क्या करेगा, बातें करेगा। और एक ऐसा गुम्मट बना के जब मैं आसमान से बातें करेगा, ध्यान से सुनिए, जब आसमान से बातें करेगा और उसके काम को देखने के लिए यहोवा परमेश्वर आसमान से क्या करने लगा, उतर आया। क्या लिखा है बाइबल में, सब बोलिए उतर आया। जब उतर आया, ध्यान से सुनिए, जब उतर आया आसमान से, तब यहोवा परमेश्वर ने अपने मुंह से जो बात कहा, ध्यान से सुनिए क्या कहा, मालूम है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और उन्होंने ऐसा ही काम भी, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। सब बोले हालेलुया। मतलब परमेश्वर एक
सेंटेंस इंसानों के लिए बोल रहा है कि इंसान अगर एकजुट हो जाए उनके लिए कोई काम अनहोना नहीं। कौन बोल रहा है? ये कोई पतरस, यूहन्ना, याकूब, एलिया, मूसा, थोमा नहीं बोल रहा है, ये खुद परमेश्वर कह रहा है। अगर इंसान क्या हो जाए, एकजुट हो जाए, एक सोच रखे, तो इंसान के लिए कोई काम अनहोना नहीं है। कौन बोल रहा है? इसका मतलब परमेश्वर भी ये जानता है अगर इंसान चाहे तो कुछ भी। हम लोग सुने थे ना आज तक, ये परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव। सुन लो, नया वचन है, मनुष्य के लिए भी कोई काम असंभव नहीं है। क्योंकि ये पास्टर संजय नहीं कहता, कौन कह रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, इंसान चाहे तो उसके लिए कोई भी काम क्या नहीं है। अभी अगर रिवाइवल टैबरनकल चर्च के विश्वासी अगर ये ठान ले कि एक साल में कलीसिया ट्रिपल और आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी दुष्ट आत्मा उस काम को होते हुए रोक नहीं सकता। खुद खुदा कहता है इंसान चाहे तो उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। मालूम है परमेश्वर को बाध्य होकर उनके कामों को क्या करना पड़ा? रोकना पड़ा। अब प्रभु रोकने के लिए क्या किया मालूम है? सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा। 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी ढाले कि ऐसा ना हो कि दूसरों की वे एक दूसरे की बोली को समझे। मतलब प्रभु नहीं चाह रहा था कि वो घर बनाए। इवन प्रभु भी उनके एकता को देखकर उतर आया, उनके एकताओं को क्या किया? तोड़ा। क्यों मालूम है? प्रभु का ये आज्ञा था कि हर जगह फैलो फूलो और क्या क्या करो, बढ़ जाओ। लेकिन वो एक जगह रहना चाह रहा था, और वो एक जगह इंसान कोई भी असंभव काम को संभव कर सकता था। आप सोच के देखिए, दुनिया का जो स्वर्गीय परमेश्वर है, मरियम के कोख से दुनिया में आया, लेकिन उसका पवित्र आत्मा को उतारने के लिए इस पृथ्वी पर 120 लोगों ने एक मन रहकर जब दुआ प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा को उतारा कि नहीं उतारा? उतरा कि नहीं उतरा? दुनिया हिला कि नहीं हिला? तो मैं बोलना चाहता हूँ, आज भी कलीसिया के लोग अगर एक चित एक मन होकर उस प्रभु से प्रार्थना करे, कोई जिला के लिए, कोई देश के लिए, कोई कंट्री के लिए, मैं आपको बताता हूं, कोई भी काम अनहोना नहीं है। परमेश्वर के लिए वो करके दिखाएगा। लेकिन प्रभु को क्या चाहिए पता है? एकता। तो मैं बताना चाह रहा हूं, ये है इंसान। आप कौन है जिसको परमेश्वर कहता है तू कुछ भी कर सकता है? आप कौन है जिसको परमेश्वर कहता है तू मेरे जैसा है? आप कौन है जिसको परमेश्वर कहता है तू मुझसे थोड़ा कम बनाया गया? आप कौन है? अभी आप बताइए, आप कौन है? आज जब खत्म होगा यहां से आप जाओगे ना, मैं चाहता हूं आपके मुंह के शब्द बदले, आपका स्वभाव बदले, आपका नजरिया बदले, आपके लोगों के साथ बातचीत बदले, ये समझ कर कि मैं कौन हूं, मेरा पदवी क्या है, मेरा अधिकार क्या है। प्रभु ने मुझे दुनिया में रेंगने के लिए नहीं भेजा, प्रभु हमें दुनिया में राज करने के लिए भेजा है। हालेलुया। जिस जिस बस्ती में प्रभु ने आपको रखा है, वहां आपको नौकर घसीटते हुए अपना जीवन जाने के लिए नहीं रखा। पता है प्रभु आपको उस बस्ती में शैतान के ऊपर राज करने के लिए बनाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने इंसान का सृष्टि किया, और इसलिए प्रभु कहता है हम इस दुनिया में क्या करेंगे। बाइबल में एक जगह में लिखा है, अगर आपको मालूम है, अंत के दिनों में जब आसमान से हमारा परमेश्वर उतरेगा और प्रभु का आगमन हो जाएगा और प्रभु का नया यरूशलेम आएगा, वहां ऐसा लिखा गया है, प्रभु एक एक देश को अपने एक एक बच्चों को क्या करने देगा। अभी अगर बात बोलो आप, परमेश्वर स्वर्गदूत तो है आपके पास, उनको दो ना राज करने के लिए, तो प्रभु कहेगा पृथ्वी मैंने इंसानों को दिया है। समझ रहे मेरे बातों को? जब आगमन होगा, नया यरूशलेम उतरेगा, बाइबल में लिखा है ना, प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर एक एक देश में क्या बनाएगा, राजा या मंत्री करके प्रभु दे देगा। अभी आप प्रभु से पूछो, प्रभु हम लोगों को आप क्यों दोगे? ये प्रभु बोलेगा, बेटा फिर उत्पत्ति निकाल के पढ़, जब मैंने इंसानों को बनाया था मैंने कह दिया था कि पृथ्वी तेरा है और स्वर्ग मेरा है। आज जो प्रभु बोल देता है वो हम जैसा आप जैसा इंसान नहीं है कि अपना शब्द आपस ले ले, जो प्रभु बोल दिया है वे दुनिया के आखिरी तक वैसा ही चलेगा। हालेलुया। चाहे कोई भी कुछ ना करे वो ऐसा ही चलेगा। हालेलुया। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, लेकिन वो अधिकार जब परमेश्वर ने उनको दिया, किसको दिया? मनुष्य को, अर्थात आदम हवा को दिया, तो आदम हवा ने उस अधिकार को, उस अथॉरिटी को उस सांप के हाथों क्या कर दिया?
बेच दिया। सांप आया और सांप आके बोलने लगा, क्या ये फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है? तो हवा ने कहा कि नहीं नहीं, हमको खाने भी मना किया और छूने के लिए भी मना किया। जो स्त्री थोड़ी देर पहले बोल रही थी छूना मना है, वही छूकर खाया और तोड़ा, उसको खाया जैसे हवा ने खाया, खाई और हवा ने अपने पति आदम को भी खिलाया। जैसे दोनों ने खाया उस दिन, बाइबल में ऐसा लिखा गया, जिस दिन वो फल तुम खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। आपको मालूम है स्वर्ग में मरना उसको नहीं कहते जिसको हम लेके गाड़ देते हैं। दुनिया में उसको बोलते हैं मरना, कोई मर गया हम उसको कॉफिन में डाला और उसको लेके हम गाड़ दिए, इसको हम दुनिया में बोलते हैं मर गया, ये बीमारी था, वो था, ये था। लेकिन स्वर्ग उसको मरना नहीं बोलता है, स्वर्ग उसको मरना बोलता है जिस दिन कोई बंदा प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ता है, हम उस दिन क्या होते हैं? बोलिए मरते हैं। स्वर्ग उसको मरना बोलता है, हम किसको मरना बोलते हैं? गड्ढे में जाने को। लेकिन स्वर्ग बोलता है जिस दिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ता है उस दिन हम क्या होते हैं? मरते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आदम हवा ने प्रभु के आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर ने कहा जिस दिन खाओगे तुम्हारे जीवन में मृत्यु आएगा, और जिस दिन उसने खाया दो चीज हुआ। ध्यान से सुनिए, दो चीज हुआ। एक तो परमेश्वर का बनाया हुआ जो सुंदर और आशीषित गार्डन आदम हवा को छोड़ना पड़ा। दूसरा, आदम हवा फल खाने के द्वारा परमेश्वर ने कहा इसलिए कि तूने फल खाया है तेरे खाने से भूमि क्या हो गया है? श्रापित। अब इसको लेके मैं आपके ऊपर फेंकना चाहता हूं, मेरे ऊपर भी मैं फेंकना चाहता हूं। ध्यान से सुनेगा, जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं ना, जब हम वचन सुनते हैं, प्रभु में चलते हैं, दुआ करते हैं, आराधना करते हैं, हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए गाते हैं, लेकिन याद रखिए प्रभु में रहने के बावजूद अगर हमारे जीवन से प्रभु के आज्ञाओं का अगर हम उल्लंघन करें उस दिन हम प्रभु के नजर में क्या होते हैं? मरते हैं। और जिस दिन हम आज्ञा का उल्लंघन करें, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल के जो आदन जैसे आशीषों में प्रभु ने हमें रखा है, आपको समझ नहीं आएगा जिस दिन आप पाप करोगे। दो चीज आपके जीवन में बारंबार होता है कि प्रभु आपको उन आशीषों से बाहर ले आएगा। दूसरा, आप जहां हो श्रापित हो जाओगे। लेकिन हाँ, धन्यवाद हो अनुग्रह काल का, धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि आज भी हम दोबारा आदन के अंदर क्या कर सकते हैं? घुस सकते हैं। प्रभु क्षमा करना, गलती हो गया, पाप हो गया, दुआ प्रार्थना आंसू प्रभु के सामने हृदय से जब पश्चाताप करते हैं, आज प्रभु कईयों को कई बार आदन के बगीचे में क्या किया है? पहुंचाया है। फिर कई बार निकल भी जाते हैं कुछ लोग। मेरे याद रखिएगा, जिस दिन आप पाप करोगे, मैं नहीं बोलता हूं पाप बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को निगलेक्ट करोगे उसी दिन आप स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से बाहर आ जाते हो। और जिस दिन आप स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से बाहर आओगे, आपका नौकरी वाला स्थान, आपका जॉब वाला स्थान, आपका बिजनेस क्षेत्र, आपके परिवार, वो लोग, वो जगह क्या हो जाता है? प्रभु ने कहा तेरे कारण भूमि क्या हो गया। मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। आपको मालूम है जब प्रभु ने आदम को जो श्राप दिया, तेरे कारण भूमि श्रापित है, जब उसका बेटा को उसने श्राप दिया, किसको? कैन को। प्रभु ने भूमि में और दो तीन श्राप जोड़ा है, प्रभु जाके पढ़ लीजिएगा। तो प्रभु ये कहता है तेरे कारण भूमि क्या है? श्रापित है। अब मेरे बात ध्यान सुनेगा, उस दिन आदम ने वो चीज शैतान को क्या कर दिया? दे दिया। जो अधिकार, जो सामर्थ, जो प्रभु ने उसको जो डोमिनियन, जो राज्य करने का सामर्थ दिया था, उसको शैतान ने किसके हाथ में दे दिया? अब पता है परमेश्वर शैतान को कुछ नहीं बोला, लेकिन शैतान जिसको इस्तेमाल किया प्रभु उसको बोला। यहां भी एक बात है, शैतान आत्मा में नहीं आया, शैतान भी एक शरीर को लिया। वो शरीर क्या था मैं आपको बताऊं, एक बार प्रभु ने एक कुछ दुष्ट आत्माओं को निकाला था एक व्यक्ति से, और जब दुष्ट आत्मा निकलने वाला था, दुष्ट आत्मा लोगों ने मांग किया प्रभु से, प्रभु हमको यहाँ से आप निकाल रहे हैं, लेकिन हमको क्या करो, क्योंकि सुअर भी शरीर है, शरीर चाहिए दुष्ट आत्मा को, शरीर चाहिए पवित्र आत्मा को भी। आप हुआ क्या, जो चीज आदम हवा ने क्या कर दिया? खो दिया, वही चीज को यीशु मसीह इस दुनिया में लेने आया। एक वचन बताऊंगा जो मैं उसको जब स्टडी किया मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं चाहता हूं कि आज आपको भी अजीब लगे। मत्ती 28वां अध्याय उसका 18
नहीं माफ कीजिएगा, लूका 4 अध्याय उसका 5-8 पढ़िएगा। लूक 4 अध्याय उसका 5-8। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि यहाँ मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, आप यीशु को क्या समझते हो? हम सब समझते हैं ना, यीशु इस दुनिया का राजा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप ध्यान से सुनिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, यीशु मसीह को शैतान पल भर में पूरे दुनिया को क्या किया? दिखाया। अच्छा, पूरे दुनिया को यीशु मसीह को दिखाया शैतान ने। दिखाने के बाद उसने यीशु के सामने कुछ प्रश्न रखे, यीशु के सामने कुछ बातें उसने कहा, और अब ध्यान से सुनिए कौन सी बातें उसने कहा। उसने कहा, मैं यह सब अधिकार और उनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि, ध्यान से सुनेगा सब, बोलिए, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। क्या सौंपा गया है? कौन सौंपा है? परमेश्वर ने कभी दिया शैतान को? परमेश्वर ने कभी दिया कि हे लूसीफर सामने आ, तुझे तो मेरे सिंहासन से ऊपर वाला सिंहासन चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, स्वर्ग तो मेरा है, पृथ्वी में तुझको देता हूं, जा और पृथ्वी पे राज कर। कभी भी परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी में अधिकार करने के लिए दिया कोई लेटर, कोई यीशु प्रभु ने उनको बताया? बाइबल में क्या लिखा है? नहीं। शैतान कैसे बोल रहा है कि मुझे इस पृथ्वी का अधिकार सौंपा गया है? अरे कौन दिया तुझे? वही जो पृथ्वी का राजा था। कौन था? आप समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ रहे? आदम हवा को जो इतना बड़ा सामर्थ्य दिया, सर आदम हवा नहीं समझा और उसको किसको दे दिया? शैतान को। और आज शैतान किससे बात कर रहा है? यीशु से, इसका अधिकार मुझे दे दिया है। आपको क्या लगता है नेक्स्ट वचन क्या होना चाहिए? यीशु बोलना चाहिए उसको, हे शैतान पृथ्वी मैंने बनाया है, लोगों को मैंने बनाया है, ये पूरा राज्यपाट जो तू मुझे देगा बोल रहा है ये मेरा है। आप जहां काम करते हैं अपने बॉस को बुलाकर आप बोलोगे, ये जो बंगला है ये सब कुछ मैं तुमको देता हूं। बॉस बोलेगा, तू कौन है? जा यहां से, वापो काम से निकाल देगा। लेकिन मैं आपको ये शब्द इसलिए बता रहा हूं समझे, दुनिया का जो बॉस है, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर खड़ा है और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को दिखा रहा है, देखो ये दुनिया का सारा वैभव, और उसके बगल में खड़ा होने वाला कौन है? शैतान बोल रहा है, ये मुझे अधिकार दिया गया है इसलिए तू मुझे प्रणाम कर। मैं इस जगह में सोचने लगा, मेरा प्रभु ने उस शब्द के ऊपर एक भी लफ्ज नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? यहाँ लिखा है ना, शैतान बोलता है सारा अधिकार मुझे दिया गया। वहां पे यीशु को बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए, आपके घर में कोई घुस के बोलेगा ये मेरा घर है, आप वहां पे चुपचाप से बहुत नम्रता के साथ रहोगे, ले लो भाई आप बोल रहे तो आपका है, ए चलो बर्तन उतन निकालो, बिस्तर निकालो, हम लोग कहीं और रह लेंगे, ऐसे करोगे आप? आप बोलोगे भाई है कौन तू, कहां से आया, जाते होगे या पुलिस को कॉल करूं? हम ऐसे ही करेंगे। तो वहां पे यीशु मसीह को मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं, यीशु चुपचाप खड़े हैं वहां पे, यीशु उसके बातों का जवाब नहीं दिया। देखिए यहां पे मैंने सोचने लगा, प्रभु इसके बात का जवाब आपने क्यों नहीं दिया? आगे क्या लिखा है मालूम है? शैतान ने कहा, अगर तू मुझे क्या करे, प्रणाम करे, ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। प्रभु ने उत्तर दिया, लेकिन आधा उत्तर दिया। क्या लिखा है आगे? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हे मेरे प्रभु, आगे का सवाल का उत्तर आप क्यों नहीं दिए? आपके सामने आप ही का बनाया हुआ स्वर्गदूत, जिसको आप ही ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, जो आप ही के सामने रहता था और आप उसका सृष्टि करता हो, आपने इसको बनाया है और वो नौकर होकर आज आपके सामने बोल रहा है, ये जगत का सारा सृष्टि मुझे दिया गया है इसलिए प्रणाम कर, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? आंसर क्या पता है? मैं आपको फिर वहीं लेके आना चाहता हूं, प्रभु मुझे या आपको यही बोलेगा, बेटा
संसार का अधिकार मैंने संसार के लोगों को दिया था, आदम को दिया था, लेकिन आदम ने वो अधिकार किसको दिया? शैतान को. दैट मीन्स शैतान वहां झूठ नहीं, शैतान एकदम सच बोल रहा था, क्योंकि शैतान को मालूम है परमेश्वर के बेटे यीशु के सामने झूठ नहीं बोल पाएंगे. इसलिए मेरे प्रभु चुपचाप था, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि मेरा बेटा जिसको मैंने मेरे स्वरूप में मेरे अनुसार मैंने बनाया है, उसने उस जगह पर मेरे आज्ञाओं को तोड़कर ये अधिकार जो मैंने उनको दिया था पृथ्वी पर अधिकार करो, इस पृथ्वी पर उसने किसको दे दिया है. लेकिन अच्छा लगता है मुझे, मैंने आप लोगों से कहा भी था, जब यीशु लोगों के लिए जिया, लोगों के लिए दुआ किया, 3.5 साल तक जिया, और जब वो सूली पर चढ़ाया गया, बाइबल कहता है सूली पर चढ़ने के द्वारा क्या हो गया? शैतान के सर को कुचला गया. अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आज जो बता रहा हूं, जब परमेश्वर के दास या प्रभु के बनाए हुए आदम और हवा के जीवन में जब शैतान आके उनको भड़काया, जब वो फल खाया, फल खाने से उस जगह पर क्या सृष्टि हुआ, क्या आया, कोई बता पाएगा? नहीं. हां, क्या आया? पाप आया, जो आज तक आदम के बगीचे में नहीं था. पाप का सृष्टि परमेश्वर नहीं किया, लेकिन जैसा उसको उस शैतान ने सांप ने कहा खा ले, जैसा उन दोनों ने खाया, जिस दिन खाया उस दिन उस जगह पर क्या आया? पाप. और मैं आपको बताऊं, जब यीशु सूली पे चढ़ रहा था, यीशु मार किसको रहा था? क्यों मेरा प्रभु सूली में चढ़ा? क्या कारण है प्रभु सूली पे चढ़ा? किस लिए मेरा प्रभु सूली पे चढ़ा? बाइबल में लिखा गया है पाप से अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए यीशु सूली पे चढ़ाया जाएगा. कौन सा पाप? वही पाप जो मेरा बेटा, मेरा सृष्टि, मेरा स्वरूप उस जगह पर आज्ञा तोड़ने के द्वारा जो पाप उसने आदम के बगीचे में लाया, उसी पाप को मनुष्य का रूप लेके जन्म होकर जब यीशु सूली पे चढ़ा, उसी पाप को रोंद कर मेरा प्रभु खत्म किया. और जिस दिन पाप खत्म हुआ, वो शैतान से वो अधिकार अपने हाथ लिया जो अधिकार शैतान ने उनके बेटे आदम से लिया था. अब प्रभु अपने हाथों में लिया, जैसे प्रभु अपने हाथों में लिया, अब शैतान की, वहां लिखा गया शैतान का सिर कुचला गया. जब शैतान का सिर कुचला गया, अब यही यीशु मसीह जिसको शैतान ने बोला ये दुनिया का सारा बैर भाव मेरे हाथ में है, प्रणाम कर, यही यीशु मसीह जब मर के तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक दिखाई दिया और अपने चेलों को बोला मेरे पास आओ गलील में, मैं तुमसे मिलकर मैं स्वर्ग चला जाऊंगा. जब चेले वहां पर आया, मत्ती 28:18-20 में कहता है, मैं पढ़ता हूं, मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. हालेलुया. एक्चुअली दिया गया नहीं, मैंने छीना है. एक्चुअली मैं इस दुनिया में आया, तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, जो पाप उस जगह पे एंट्री लिया था, जिस कारण से एंट्री लिया था, उस पाप को मैंने सूली पर से रोंदा और शैतान से वो अधिकार हासिल किया जो अधिकार शैतान को आदम ने दिया था. इसलिए आज प्रभु हिम्मत से बोल रहा है स्वर्ग का. और मैंने आपसे कहा ना, यीशु मसीह क्यों बोल रहा है? मैंने आपसे पहले कह दिया कि परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, पृथ्वी पे परमेश्वर किसको दिया है. लेकिन यीशु क्यों बोल रहा है स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है? क्योंकि यीशु भी शरीर में था. और पता है, एक और मैं बोल रहा हूं जो पवित्र आत्मा बोलने के लिए मजबूर कर रहा है. जब प्रभु ने पतरस को बोला, हे पतरस, तुझको पता है आत्मा ने तेरे ऊपर में रिवील किया है कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए एक बात सुन, तू जो यहां बांधेगा मैं वहां बांधूंगा, तू जो यहां खोलेगा मैं वहां खोलूंगा. पता है, इसलिए मैं बोलता इंसान इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सृष्टि है जिसको इस पृथ्वी का अधिकार भी है और स्वर्ग का भी अधिकार है. हालेलुया. इसलिए प्रभु ने बोला पतरस को, जो तू यहां बांधेगा मैं क्या करूंगा और जो तू यहां खोलेगा. तो हम एक ऐसा प्राणी है जिसको प्रभु के बाद हमारा सामर्थ्य 2 गुना बढ़ा दिया गया. पहले तो हम सिर्फ दुनिया का सामर्थ्य या दुनिया का सामर्थ्य लेते थे या पृथ्वी का सामर्थ्य हमारे पास था जो प्रभु ने आदम के बगीचे में आदम को दिया, लेकिन यीशु के मरने के बाद हमारा सामर्थ्य 2 गुना बढ़ गया. क्यों? इस दुनिया का सामर्थ्य भी हमारे पास है और कहाँ का? स्वर्ग का. इसलिए जब हम इस दुनिया में प्रार्थना करते हैं, कोई कंपनी वाला फोन का लाइन कनेक्ट नहीं होता है, कभी कभी आप फोन करते हैं ना,
अलग अलग नेटवर्क में, चाहे ये हो चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ क्या हो जाता है, नेटवर्क नहीं लगता। लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ है जब इस दुनिया में आप यहाँ प्रार्थना करते हैं, आसमान का परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर आमीन नहीं बोला? हालेलुया। चांद को पहुंचने में कई महीने लगते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं एक ऐसा सामर्थ्य प्रभु इस मिट्टी के शरीर में ढाल के रखा है, विद इन वन सेकेंड हमारा आमीन उसके पास पहुंचता है। हालेलुया। एक क्षण में जब हम बोलते हैं मेरा खुदा इसके अंदर से दुष्टात्मा निकाल, जैसे हम आज्ञा देते हैं आग उतरता है उसके ऊपर में। हालेलुया। एक क्षण में हम जब बोलते हैं हे लंगड़ा तू उठो चलने लग, तुरंत वो चलने लगता है। एक क्षण में आसमान का परमेश्वर सुन लेता है। मैं बोलना चाहूंगा दुनिया के हर एक साइंटिस्ट को, क्या मालूम है आपके पास जो है वक्त लगता है, हमारे पास जो है वक्त नहीं लगता। वाओ। क्यों पता है? क्योंकि मैं और आप किसके स्वरूप में बनाए गए, इसलिए अब अपने आप को जब अभी जब खत्म हो जाएंगे हम उठेंगे तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई भी ये मत सोचो कि कौन उठ रहा है, आप सोचना एक ऐसा व्यक्ति उठ रहा है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में, लाइफ बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगा। मैं बता रहा हूं आपका जॉब का क्षेत्र बदल जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आप अगर मिनिस्ट्री करते मिनिस्ट्री बदल जाएगा, आप प्रार्थना करने से ज्यादा अगर आप बोलोगे भी परमेश्वर वहां क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया। और इससे शैतान डरता है, आज डर भी गया कि उसके लोगों को पता चल गया कि वो किसका अधिकारी है। पता है हम राजा के बेटे राजकुमार है, लेकिन शैतान ने हमको ऐसा कर रखा है ना मानो हम उस घर में काम करने वाला। आज शैतान को बोलो हे शैतान मुझे पता लग गया है मेरा अधिकार क्या है। हालेलुया। मैं मेरे खुदा के जैसा बनाया गया हूँ, मेरा दिमाग मेरे खुदा के जैसा है, मेरा शब्द मेरे खुदा के जैसा है, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर से प्रभु ने इंसानों को थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया। मालूम है दानियल इस पृथ्वी में प्रार्थना किया, 21 दिन के बाद स्वर्गदूत आकर बोला हे दानियल परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर तेरा प्रार्थना पहला दिन सुन लिया, लेकिन वहां कुछ लड़ाइयां हो रही थी, ये ले तेरे प्रार्थना का फल। एक इंसान प्रार्थना करते अपने खुदा से और खुदा उसके प्रार्थना का उत्तर किसके हाथ में भिजवा रहा है, बोलिए ना, स्वर्गदूत। कौन स्वर्गदूत? जो एक समय पर 185,000 लोगों को मार सकता है, लेकिन आप बोलिएगा मैं अकेला अगर दुआ करूं तो पूरा देश बचाया जा सकता है। ये सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए आज के बाद कभी मत बोलिएगा मैं कौन हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं मकोड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा नहीं। क्योंकि आखिरी में प्रभु ने अपने चेलों को बुलाकर एक बात बोला, देख मेरे बच्चे शैतान ने आदम से ले लिया था, लेकिन मैं उसी शैतान से क्रूस में उससे क्या कर लिया, ले लिया, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। आज हमारे पास बड़े घमंड से बोलिएगा स्वर्ग का भी अधिकार है और पृथ्वी का भी अधिकार है। हालेलुया। हम और अब क्या कर रहे पता है, इस दुनिया के लोगों को स्वर्ग शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। वाओ। ये अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट भी आपको ले जाएगा ना कई करोड़ों रुपया लेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को वहां तक क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम